गाइस फाइनली तैयार हो चुके हैं, हुडी वगैरह पहन लिए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा छोटा सा रूम है। तो 6:30 के आसपास टाइम हो गया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं मॉर्निंग व्यू कैसा होता है। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी चलते हैं यहाँ से लाइट वाइट को बंद करते हुए, और हमने लाइट को बंद कर दिया है और हम आ चुके हैं अपना क्या बोलते हैं बरांडा में। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे फेस वॉश करने में हालत खराब हो गया है क्योंकि पानी बहुत ठंडा आता है। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा उजाला हो चुका है। बाकी भी हमारे जितने भी यहाँ पे जो अगल बगल के रूममेट्स हैं, सभी अभी अच्छे से नींद ले रहे हैं, सब कोई सो रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सुबह का व्यू है, पूरा शांति शांति सब कुछ यहाँ पे आपको सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आएगा। तो गाइस अभी रूम से निकल चुके हैं, तो चलते हैं नीचे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा जो गेट है वो बंद ही होगा, मेन गेट जो है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट खुल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका मॉर्निंग बैच होगा। देखते हैं क्या है। तो गाइस गेट तो खुला हुआ है, अभी सुबह सुबह का माहौल है, काफी अच्छा है, थोड़ा सा ठंड है लेकिन ठीक है। बाकी गाइस अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। यहाँ बगल में हमारा मेस है, तो आप लोगों को मेस भी दिखाएंगे अपना। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एक स्ट्रगलिंग भाई है जो कि एक नीट एस्पिरेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे आ चुके हैं मेस में। तो भाई आपका नाम क्या है, एक बार अपना नाम बताइएगा। और भाई थोड़ा सा शर्माते हुए, और यहाँ पे भाभी खाना नहीं दे रही है। भाभी खाना दीजिए, बच्चे को जाना है, क्लास जाना है, जल्दी खाना दीजिए। खाना बहुत ज्यादा लेट करती है क्या भाभी? बहुत ज्यादा। देखिए जी क्या बोल रहा है, खाने में भाभी बहुत ज्यादा लेट करती है। हाँ क्यों लेट करती है? बोला है यहाँ पे, वीडियो भी बना रहे, उसमें है प्रूफ। और यहाँ पे गौ माता है सुबह सुबह। तो गाइस अभी अपने गली से निकलते हुए देख सकते हैं कि अभी हम अपना गली से निकल चुके हैं, मेस से आ चुके हैं बाहर, और बच्चे लोग दिख ही नहीं रहे। पता नहीं कि ठंडा के कारण सब क्लास नहीं जा रहे हैं या क्या सीन है, बहुत कम दिख रहा है। क्योंकि गर्मी के सीजन में जब निकलते थे तो बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे लोग जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना जा रहे हैं। तो गाइस गर्मी के सीजन में तो अभी के समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बच्चे लोग जाते हैं क्लास, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए कोटा में सुबह सुबह का माहौल कितना अच्छा होता है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर। हाय कर दो भाई। थैंक यू सो मच भाई। कौन से इंस्टीट्यूट में हो? तो गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर भाई थे, पहचान गए। भैया चाय बना रहे क्या? तो गाइस चाय तो अभी कहीं मिल नहीं रहा है, बाकी आगे देखते हैं कहीं मिल जाए। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि थोड़ा सा उजाला हो गया है, और पीछे देखिए पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है, यहाँ भी है। तो अभी तो चल रहा है आगे धीरे धीरे, यहाँ से स्टार्ट होता है एयरपोर्ट और ठीक ऐसे आगे तक जाता है। तो अभी हमें जाना है एयरपोर्ट के रनवे वाले गेट पे, मतलब जहाँ पे रनवे है वहाँ पे चलना है। और गाइस एक और जरूरी चीज कि हमारे रूम से एयरपोर्ट का दूरी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 500 मीटर होगा। और ये सब भी शायद पेंट हुआ है, जो भी बाउंड्री है, क्योंकि सब नया नया सा भी लग रहा है। और ये जो एयरपोर्ट है ये बंद है, तो जो लोग भी ये ब्लॉग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो प्लेन से आएंगे। तो भाई ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, ऐसा दिल में ख्याल भी ना लें कि हमें प्लेन से आना है, क्योंकि भाई ये एयरपोर्ट बन चुका है लेकिन यहाँ पे आज तक तो कोई प्लेन लैंड ही नहीं हुआ है, मतलब कमर्शियल प्लेन लैंड नहीं हुआ। जो भी प्राइवेट जेट होता है, हेलीकॉप्टर होता है, बस वो सब यहाँ पे लैंड होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्लेन लैंड नहीं होता, कोई भी पैसेंजर वाला एरोप्लेन यहाँ पे लैंड नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर आपको प्लेन से आना है तो आप जयपुर तक आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते। बाकी यही रोड है जो कि एयरपोर्ट होते हुए एरोड्रम जाता है, फिर वहाँ से डायरेक्ट कोटा स्टेशन जाता है। तो आप लोग भी आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, अगर विज्ञान नगर आते हैं, राजीव गांधी नगर या तलवंडी, ये सब तो इधर से ही होकर आपको आना होता है। तो गाइस आज गाइस इतना ज़्यादा गाड़ी चल रहा है कि बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। पता नहीं जो हम बोल रहे हैं वो आप लोगों को सुनाई देगा या नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन एक चीज़ है गाइस कि मतलब कोटा का जो मॉर्निंग व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत दिन के बाद आ जाए हैं और बहुत दिन के बाद ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा हम सरप्राइज देने वाले हैं, सरप्राइज सरप्राइज, जो कि आप लोग भी देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। वो क्या है बताएं, एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जहाँ पे आना था
वहाँ पे हम आ चुके हैं और अब आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख के आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कोटा एयरपोर्ट, ये रहा हमारा रनवे 37, जहाँ पे आज तक एक भी प्लेन, कमर्शियल प्लेन लैंड नहीं हुआ है। बस कभी कभी कोई भी प्राइवेट जेट आ जाता है, वो कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी कमर्शियल प्लेन यहाँ पे लैंड नहीं हुआ है। और ये देखिए रनवे कितना प्यारा है, अभी बैक कैमरा से आपको अच्छे से दिखाएंगे। और ये हमारा पूरा एयरपोर्ट देख लीजिए, और वहाँ पे जो है कंट्रोल रूम है, जहाँ पे कि लोग बैठ के और प्लेन को कंट्रोल करते हैं। और ये रोड है हमारा, ये देखिए बिल्कुल रोड के पास में है, मतलब रोड है और ठीक यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो बैक कैमरे से आपको रनवे अच्छे से दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, ये है रोड जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, उधर विज्ञान नगर से यहाँ पे अभी आए हैं। और ठीक यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट है, ये पूरा अभी जंगल झाड़ हो रखा है क्योंकि एयरपोर्ट बंद है। ये देखिए कितना अच्छा रनवे है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा मतलब प्लेन जो होता है, प्राइवेट जेट, वो सब यहाँ पे लैंड होता है। और वहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब अपना है प्लेन वापस वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पे हम कंट्रोल रूम, जहाँ से कि प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। तो गाइज ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट जेट ही लैंड होता है, कोई भी कमर्शियल प्लेन लैंड नहीं होता। और उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि देखिए यहाँ से जो रनवे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी कमर्शियल प्लेन लैंड होता है तो यहाँ पे ILS लगा होता है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, ऐसा ही कुछ होता है सर। तो ILS लगा होता है जिससे कि पता चल जाता है प्लेन को कि हमें अपना एल्टीट्यूड इतना रखना है, स्पीड इतना रखना है, ताकि वो सही डायरेक्शन में आके और प्लेन को सेफली लैंड कर सके। ऑटो पायलट उसी से काम करता है, ILS। तो यहाँ पे देख सकते हैं ILS जो होता है, आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि पोल जैसा लगा होता है, उस पर लाइट होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और रनवे पे लाइट भी नहीं है। तो आप समझिए रात में लैंडिंग कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना लाइट और बिना ILS का इम्पॉसिबल है प्लेन लैंड करवाना। क्रैश लैंड हो सकता है इमरजेंसी में, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नॉर्मल लैंडिंग करवाना बिना लाइट्स और ILS का पॉसिबल नहीं है। यही एयरपोर्ट है और सुबह सुबह बस इसी व्यू को देखने के लिए हम कभी कभी आ जाया करते हैं, महीने दो महीने में एक बार। तो आज भी आए, तो आज हमने सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवाएं चल रही होती है और थोड़ा सा खाली खाली कोटा ऐसा जगह पे जहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग आता है अलग अलग शहर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा लगता है खाली खाली सा, मतलब थोड़ा सा होता है ऐसा। तो देखिए बस इसी व्यू को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर आप लोग भी चाहें तो आ सकते हैं, अगर विज्ञान नगर रहते हैं तो, या तलवंडी वगैरह तो वहाँ से भी आ सकते हैं। और ये देखिए गाइस, ये जो है समझिए कि बॉर्डर है, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के इस साइड यहाँ पे विज्ञान नगर है, और एयरपोर्ट के ठीक अगर पीछे वाले साइड जाते हैं तो उधर तलवंडी है और जवाहर नगर है, राजीव गांधी नगर भी बगल में ही है। तो सबको एक जगह पे ही है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उतना पता नहीं चलता है, किलोमीटर दो किलोमीटर ये सब यहाँ पे। बाकी देखिए यही एयरपोर्ट है और यही आप लोगों को दिखाना था। एक बार फिर से बैक कैमरे से अच्छे से सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत देर रुक गए, लगभग 10-20 मिनट रुक चुके हैं, तो अब चलते हैं यहाँ से, ज्यादा तो रुकेंगे नहीं। और वहाँ देखिए रनवे पे दो लोग भी दिख रहे हैं, हो सकता है वो लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और रनवे का कोई आने वाला हो। तो चलते हैं, यही था हमारा एयरपोर्ट। अगर आप लोगों का भी मन हो तो एक बार आकर घूम लीजिएगा जरूर, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। चलते हैं यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चाय पीते हुए। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, भीगा भीगा आंचल आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे।
बढ़ने लगी हलचल, भूल गए। सो गाइस वापस से रूम पे आ चुके हैं, तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।